नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, ये केला G9 का वैरायटी है और इसमें देखिए आप अपना ताबड़तोड़ निकल रहा है केला। इसमें अभी बेसल भरवाए थे और पौधा देखिए किस प्रकार चल रहा है और ये हमने कटवा दी फूट, इसको बोलते हैं कंसा केले की, और इसमें कहीं कहीं निकलना चालू हो गया है। किसान भाइयों, अभी काफ़ी बेहतर रिजल्ट इसका आ रहा है। इसमें हम दोबारा बेसल भरवाने की तैयारी कर रहे हैं किसान भाइयों। मित्रों, इसमें देख सकते हैं आप अच्छे से कि पूरी कंसाएं हमने कटवा डाली हैं। ये कंसाएं देखिए, ये कंसा पूरी ख़त्म करवा दी है हमने कटवा के, और काफ़ी बेहतर तरीके से लग रहा है किसान भाइयों। ये पौधा आप देख सकते हैं 9 महीने का पौधा हो चुके हैं ये, और अभी केला इसने फेंकना चालू कर दिया है। कहीं कहीं धीरे से पूरे में आ जाएगा किसान भाइयों। अब इसमें हम लास्ट बेसल भरेंगे किसान भाइयों। प्रति एकड़ 1 बोरा DAP, 1.5 बोरा पोटास और 20 किलो यूरिया और अमोनियम सल्फेट 25 किलो, मैग्नीशियम 25 किलो, और इसमें थोड़ा सा मात्रा मिलाएंगे 0.5234 का बेसल में ही मिलवा देंगे 1 किलो। उससे किसान भाइयों ड्रिप से देने में भी फायदा है, मगर वो बेसल बेसल रहता है, और बेसल भरवाने के बाद में इसको हम यहाँ दोबारा फिर बेसल भरवाएंगे। दिखाते हैं आपको कहाँ बेसल भरवाना है। हम बेसल यहाँ भरवाए थे बीच में, इस बार वहाँ नहीं भरवाना है। इस बार ये ड्रिप का खोदवा के ड्रिप के नीचे से यहाँ से भरवाना है किसान भाइयों, यहाँ से। वहाँ बेसल भर कोई अभी मतलब नहीं रह जाएगा, यहाँ बेसल भरवाइए आप, इधर ड्रिप चल रही है इसी साइड, यहाँ भरवाएंगे बेसल हम लोग। और किसान भाइयों, ये तुरंत तुरंत इसको मिलेगा, और देख लीजिए किसान भाइयों, पौधे में कोई कमी नहीं है। फिर भी हम इसमें बेसल इसलिए भरवा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में थोड़ा पानी कम है किसान भाइयों, ताकि जल्दी हमारा गर्मी आने से पहले व्यवस्था हो जाए हमारे। ये देखिए निकलना चालू कर दिया है, और इसमें हमने नाली में पानी दिख रहा होगा आपको किसान भाइयों, इसमें हमने पोटाश डलवा कर पानी खुला चलवाया है। उससे क्या है, पूरी जड़ों को ताकत मिलेगी, पौधा अच्छे से फलेगा फूलेगा और जल्दी केला फेंक देगा। देखिए जैसे ये पौधे में निकल गया है, खाम अभी छोटी सी है, केला बनना चालू हो गया है उसमें। इस प्रकार पानी चलाएं, ये देखिए हम आपको पानी भी दिखाएंगे किसान भाइयों, कि चौकीदार कम से कम लग खर्चे में अधिक पानी चल सकता है किसान भाइयों। ये देखिए पाइप में सुराख मार दीजिए आप, एक नाली में ऐसे जा रहा है 5 फीट 90 इंच पे ये मांदा है, ये एक लाइन में पानी जा रहा है, ये दूसरा लाइन में पानी जा रहा है, ये तीसरा लाइन में पानी जा रहा है किसान भाइयों, ये चौथा लाइन में भी पानी जा रहा है। प्रेशर थोड़ा कम हो गया किसान भाइयों, ऐसे करके पूरा ये 8-9 मांदे में पानी जा रहा है, और ड्रिप से भी पानी चल रहा है, और इसमें नीचे लाइन से भी पानी मिल रहा है। इसमें पानी डालने का मतलब ये है कि अब इसकी जड़ें बड़ी हो गई हैं, और बड़ी जड़ होने के मतलब से सिंगल ड्रिप है, वैसे केले में डबल ड्रिप करना चाहिए किसान भाइयों। इसमें सिंगल ड्रिप हम पहली बार किए हैं इस खेत में, खर्चा कम करने के लिए। तो अब इसमें किसान भाइयों ये देखिए पूरा पानी जा रहा है, इसमें पोटाश डलवा कर हमने पानी खुला छोड़ दिया है। आपको आइए पोटाश भी दिखाते हैं हमने कैसे फेंका है पोटाश को। ये देखो किसान भाइयों, ये जितना वाइट है ये पूरा पोटाश फेंकाया हुआ है किसान भाइयों। इसके चलने ये करने से
ये जड़ों को पूरा ताकत मिलेगा और आगे को चलेगा पौधा, जल्दी अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएगा। किसान भाइयों, ये हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये पोटास है, पूरा वाइट पोटास, एकड़ में एक बोरी ही लेवे। ये देखो किसान भाइयों, पौधे काफ़ी बेहतर रिजल्ट की ओर जा रहे हैं। पोटास बढ़िया चीज़ है, डालकर खुले में पानी चलाना चाहिए, उससे पौधा, ये देखिए अब बीच की लाइनें हैं, हमने ये कंसाएँ कटवा दी हैं, इससे पौधे से अलग करवा दिए किसान भाइयों। ये खुराक को खाती हैं पौधा, फिर ग्रोथ कम कर पाता है, इसलिए हमने इनको कटवा दिया है। हम वापस जा रहे हैं पानी की ओर। ये देखिए पूरा काफ़ी, हमने इस खेत में शुरू बार केला लगाया है, कहीं छोटी मोटी चूक हो गई है, अगले बार हम उसको सुधारेंगे, मगर पानी खुले में चलाए बड़ा पौधा होने के बाद। ये देखिए काफ़ी शानदार लाइन से पौधे में पानी चल रहा है और कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है किसान भाइयों इसमें। और इसमें 10 लाइन भर जाएंगी तुरंत, फिर चेंज कर दो इसको आप, और चेंज करने के बाद में ये दो पाइप खुलने के बाद में किसान भाई लोग, ये काला पाइप है और इसको खोल के यहाँ पे दो पाइप पीछे ले जाओ, फिर ये दो पाइप खाली हो जाएंगे, आपका पानी चालू हो जाएगा। हम अगले बार आपको वीडियो में पूरा दिखाएंगे इसको करते हुए कि पानी कैसे इसको चेंज किया जाता है। ये देखिए हमारा दूसरा चक है किसान भाई, ये इससे लगा हुआ ही, इसमें अब आपको अंदर जाके दिखाते हैं किस प्रकार से केला आगे को बढ़ रहा है किसान को मुनाफा देने के लिए। काफ़ी पौधा एक्टिव चल रहा है। ये हमारा DAP खाद हमने घोल के रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें DAP खाद में हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको कि DAP खाद इसमें कैसे छोड़ना है, खुला ना डालें DAP खाद को, उससे घुलने के चांस कम रहते हैं किसान भाई। ये देखिए आपको वाइट जड़ दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए, तो इसमें हमने पोटाश डाला है पौधे का, और पोटाश डालने से ये वाइट जड़ उस खाद को खाएंगी, जल्दी से बढ़ेगा। ये पौधा पत्ता इसलिए सूख गया है, इस पत्ते का काम ख़त्म हो गया है, अब ये आगे को बढ़ रहा है पौधा, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है ये केला, और भयंकर घना लगाया है हमने इसको जानबूझ कर किसान भाइयों। कोई कोई पौधा छोटा रह गया है, वो बीमारी के कारण कुछ समय कुछ लेबर ने बकवास कर दी होगी, इसके कारण से पौधा छोटा रह गया है। और ये देखिए हम इस पत्तों को अब ऐसे थोड़ा नीचे मुड़वा देंगे ताकि तकलीफ ना हो पेड़ को किसान भाइयों। ये देखिए ऐसे ऐसे मुड़वा दें इनको, ये ऐसे ऐसे, उससे क्या है, और ये एक पौधा, एक पत्ता और, ये अब इसमें कुछ मेरे को लग रहा है किसान भाइयों काफ़ी बेहतर रिजल्ट पौधों में आ रहा है। और हम इसका भी विश्लेषण भी करेंगे कि पत्ते कहीं कुछ बीमारी के कारण तो नहीं सूख रहे हैं। हमने एक एग्रीकल्चर विशेषज्ञ को बुला रखा है आज, उसका हम भरपूर वीडियो आपको पूरा वीडियो डालेंगे YouTube चैनल में हमारे PK Farmer 5630 में। और ये देखिए ये पत्ता, वैसे मेरे को तो कोई बीमारी नहीं लग रही किसान भाइयों, फिर भी इसको जाँच करवाना चाहिए। कोई किसान पहली बार लगा रहा है तो अच्छे से जाँच करवा ले, उसके बाद में आगे बढ़े। केला वो फसल है किसान को माला माल कर देता है किसान भाइयों, थोड़ा सा खर्चा आता है पर प्रॉफिट भी देता है आपको, बाकी भरा पूरा हरा भरा पूरा समझ लो जंगल लग रहा है किसान भाइयों केले का, काफ़ी बेहतर और शानदार तरीके। देखिए बीच में हमारा ये पेड़ पौधे थे, इसमें हमने बीच में JCB चलवाएंगे और काफ़ी रिजल्ट की ओर निकल रहा है किसान भाइयों केला। ये देखिए इसमें कुछ दिख रहे हैं आपको बढ़िया मस्त हरे हरे केले किसान भाइयों। और ये थोड़ा हमने जानबूझ के इस फ्रूटों को तोड़ दा दिया था इसको, कि हम रिजल्ट देखना चाहते थे पोजीशन किस ओर बढ़ रहा है, कि कहीं हमारे केले में बीमारी तो नहीं लग गई है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा बकवास करके देखा, तोड़वा दिया इसको। कितने दिन में
कितना बड़ा केला निकाल पाएगा किसान भाइयों। काफ़ी शानदार केला चल रहा है और ड्रिप में भी पहल के खातू डालें ताकि केला जल्दी आगे को निकले। और ये G9 का वैरायटी है, ये हमारा थोड़ा सा लेट हो गया था किसान भाइयों, इसको किसी भी महीने डाल दें, मगर हमारा खेत थोड़ा सा लेवलिंग ना होने के कारण से लेट हो गया था ये, और फिर भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट में है केला। केला खाम निकालने लग जाए को है, अभी 2 महीने के अंदर पूरा निकल जाएगा किसान भाइयों। और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमसे क्या गलतियां हो रही हैं किसान भाइयों, और इसको शेयर भी करें अपने जो छोटे बड़े किसान लोग भाई लोग हैं उनके लिए। धन्यवाद, नमस्कार किसान भाई।